हेलो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, तो कैसे हैं आप लोग। थैंक यू सो मच मेरे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट कराने के लिए। ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, ऐसे ही लाइक करते रहो, ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहो। और हाँ, वॉच टाइम भी तो पूरा करना होता है ना, वो भी पूरा करा दो जल्दी से। ओके, तो तुम लोग मुझे कॉमेंट करके ये बताओ कि तुम लोग को मेरी लॉन्ग वीडियोज़ ज़्यादा पसंद आती हैं या शॉर्ट वीडियोज़ पसंद आती हैं, ज़रूर कॉमेंट करके बताना। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। खुद भी जलेगा, बचत हो गई पांडे की, बच गया। या हम बाइज्जत तरीके से पूरा स्क्वाड मार देते हैं, लेकिन इसके बाद इन लोगों को इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि ये वापस से इवेंट पे उतरते हैं हमें मारने के लिए, जो कि कामयाब होते भी हैं काफ़ी हद तक। लेकिन उसके बाद हम वापस इनको एंड पे पकड़ लेते हैं। तुम लोग ये चेक करो, तो रिकॉल होने के बाद हम यहाँ पे उनका वेट कर रहे थे कि वो जैसे ही आएंगे इवेंट से हम उन्हें मार देंगे। लेकिन इतना इजी नहीं था, क्योंकि लास्ट जोन था, लेफ्ट पे भी बंदे थे, राइट पे भी बंदे थे, और मतलब अजीब ही फाइट हो रही थी, समझ से बाहर है, लेकिन हम कवर में थे। अब यहाँ पे मुझे उसी स्क्वाड का एक बंदा बहुत ही मजे से टहलते हुए आ रहा होता है, मैं उसको लेती हूँ और फिनिश करती हूँ कि भाई साहब रिवाइव वाला तो कोई चक्कर ही नहीं है। अब यहाँ पे मैं जैसे ही इसका एक बंदा फिनिश करती हूँ, मुझे राइट से साउंड आता है नेट फटने का, और मैं कहती हूँ यार क्यों लड़ रहे हो। मैं जाके देखती हूँ तो मैं जैसे ही स्कोप इन करती हूँ तो मेरे पास स्कोप ही नहीं होता। मतलब ज़िंदगी में इतने दुख क्यों है। और मैं उसको ओलो से मारती हूँ लेकिन वो मरता नहीं है। उसके बाद मेरे मुँह पर इतना गंदा नेट आके फटता है और मैं कहती हूँ यार मुझे ही, मैं तो सुलह कराने आ रही थी, मुझ पर नेट फाड़ दिया, हद होती है। लेकिन फिर पांडा साहब आते हैं और मुझे रिवाइव देते हैं और मैं फाइनली बच जाती हूँ। लेकिन फिर भी मेरी लास्ट में जलालत ही होनी है, लेकिन कोई बात नहीं, पांडा फिर भी चिकन डिनर कर लेता है। तुम लोग बैरी का खौफ देखना चाहते हो, है ना, देखना चाहते हो ना, तो मैं तुम लोग को दिखाती हूँ बैरी का खौफ। जैसे ही पांडा मुझे रिवाइव करता है, यहाँ पे मेरी गोद में आके नेट गिरता है, लेकिन उसके बाद भी मैं नहीं फटती। मतलब चेक करो बहन का रोब और खौफ, मतलब मानो तुम लोग मुझे, पूरी वीडियो देखा करो मेरी, सब्सक्राइब भी कर दिया करो। ओके, तो यहाँ पे उस स्क्वाड का एक और बंदा डाउन हो जाता है, जो कि करते हैं KWIFHEJE, पता नहीं कैसा नाम है, लेकिन कोई बात नहीं ब्रदर, थैंक यू किया। और पांडा साहब ने किल उठा लिया, मतलब पांडा साहब का काम ही यही है किल उठाना।
यार अब मैं ना यहाँ पे घर में बैठे बैठे बहुत ज्यादा बोर हो गई थी कि यार वो लोग भी हमें नहीं मार पा रहे क्योंकि वो कवर में, और हम भी उनको नहीं मार पा रहे क्योंकि हम कवर में, और अगर मैं ज्यादा देर इस घर में बैठूंगी तो तुम लोग बोलोगे कि यार तुम कैंप करके खेलती हो, तुम कैंपर हो, ये वो, तो तुम लोग को भी तो दिखाना था ना कि नहीं यार मैं प्रो हूँ। तो मैं होशियार बन के जैसे ही नीचे उतरती हूँ कि मैं वॉल पे कवर ले लूंगी, यहाँ पे तो कोई नहीं है, तो भाई साहब एक बंदा निकलता है और वो मुझे मार देता है और मेरी शॉटगन भी कोई काम नहीं आती यहाँ पे। लेकिन मैं जैसे ही नॉक होती हूँ, पांडा साहब पता नहीं कहाँ से और उस बंदे को मार देते, 2 सेकंड पहले आ जाते, मर जाता, मैं जिंदा रहती, मेरा भी चिकन हो जाता। लेकिन नहीं, पांडा साहब हमेशा ही लेट है जिंदगी में, लेकिन कोई बात नहीं। इसी के साथ हो जाता है हमारा चिकन। और यार ये सब कुछ मजाक था, तुम लोग मत समझा करो ये कि मैं खुद को प्रो कहने के लिए ये सारी बातें कर रही होती हूँ। नहीं, कतई नहीं, मुझे पता है मेरी गेम क्या है, मैं सीख रही हूँ, कुछ तुम लोग से सीख रही हूँ, कुछ अपनी गलतियों से सीख रही हूँ, तो मैं सीख रही हूँ यार, मुझे, मैं सीखना चाहती हूँ चीज़ें। मैं नहीं कहती कभी भी कि यार मैं बहुत ज़्यादा प्रो हूँ, आओ मेरे साथ 1v1 करो टाइप्स, मैं बिल्कुल नहीं कहती। तो ये सारी चीज़ें माइंड ना किया करो, और वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय।